सत साहब, दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के ऊपर और मानव सभ्यता में हो रहे कुरीतियों की, आखिर क्या करने से हमारे युवा पीढ़ी और हमारे समाज, हमारे देश की जो है पाखंड और जितना भी बुराई है, इस सभी का खात्मा कैसे होगा और आखिर वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। दोस्तों, बहुत दिनों से YouTube में मैं देख रहा हूँ और आज हमें उन बातों से कुछ सीखने के लिए भी मिला है। कोई बोलते हैं बड़े, अब किसी संत की तो नाम मैं नहीं लेना चाहता, किसी की बुराई करना हमारी उद्देश्य नहीं, पर कोई दोगलबा बाबा है तो कोई तेगलबा बाबा है, कभी किसी से प्यार कर लेता है तो कभी कोई आत्मा को बुला लेता है, और कोई क्या कर बैठे हैं तो कोई कहीं पे हवन करते हैं, कोई किसी को ठगी करते हैं तो कोई समाज में कुरीति फैलाते हैं। आज हम इन्हीं सभी बातों पे गंभीरता पूर्वक बात करने वाले हैं। इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस चैनल का हमारा एक ही मकसद ही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कहीं न कहीं एक अच्छे जीवन को त्याग कर अपने जीवन को अंधकार में धकेलने की जो उसकी चेष्टा की जा रही है कुछ कथा कथित के द्वारा, तो हम अपने सभी भाई बहनों को समय में सचेत होने के लिए इस YouTube चैनल को बनाया है। मेरे भाई एवं बहनों, आज की ये जो बाबा है, अभी के जो ये बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला लगाकर, जटा और तिलक लगा करके, लोक देखावा करके, भांग धतूरे खा खा के लाखों युवा को जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की युवा छोड़िए युवती भी उनकी नकल करने पर तुले हुए हैं, बल्कि नकल कर रहे हैं। नेपाल इंडिया नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे, लंदन जैसे देश में भी कुछ व्यक्ति इन बाबाओं की कॉपी करके, भक्ति की कर रहा हूँ करके सोच के उनकी कॉपी करने में तुले हुए हैं और अपने जीवन को अंधकार में और धकेल रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, किसी भी धर्म को जानने के लिए और उसकी अच्छी तरीका से उसकी फॉलो करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उनकी जानने के लिए, उनकी जो है धर्म की मानने वाला के नहीं बल्कि धर्म की किताबों को, शास्त्रों को उनको तहकीकात करना चाहिए। मेरे भाई एवं बहनों, सूक्ष्म वेद कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का साफ करे मैदान। मेरे भाई एवं बहनों, इस बात जो मैं अभी कहा वो इस तरफ भी इशारा करता है कि इस संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब फीका है एक कबीर ज्ञान के आगे, क्योंकि पवित्र
हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक गीता, श्रीमद्भगवत गीता में लिखा हुआ है कि उल्टे लटके वृक्ष को जो कुछ जड़ से लेकर तना तक जो संत बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, और अर्जुन तुम उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, उसकी विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, उससे नाम दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वो अपने भक्ति को भी अनुत्तम बताए हैं। पवित्र मुसलमान धर्म में कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 और 58 में भी लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वें दिन में सतलोक जा भी राजा, ओ अल्लाह कबीर है, ओ पूर्ण परमात्मा कबीर है, और उनकी शरण में जाने के लिए इशारा कर रही हैं, और उनकी शरण में जाने के लिए सत भक्ति करने के लिए तू किसी बाखबर की खोज कर, और वो बाखबर कौन है उनके भी पहचान बताई हुई है। बाइबल में भी यही इशारा करता है, मेरे भाई एवं बहनों, वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत आखिर कौन है? आप इतने दिन से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, या आध्यात्मिक ज्ञान जो है अपने गीता कुरान बाइबल को समझ रहे होंगे, लेकिन गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े समझे न, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन वेद आप पढ़ेंगे और गुरु बिना कोई शास्त्र भी आप पढ़ेंगे तो उसके सार नहीं समझ सकते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, इस संसार में अभी के दरमियान में पूर्ण परमात्मा की अवतार सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं, संत योग्य संत इस पृथ्वी पर यदि कोई है तो उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही है। वही वो तत्वदर्शी संत है जिस पूरे ब्रह्मांड में इस कलयुग में एक ही एक संत है जो तत्वदर्शी संत है, जो उल्टे लचके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक बता दिए और अपने तत्व ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड की तारने की शक्ति रखने वाला एक ही वो तत्वदर्शी संत बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज हैं। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, न कि ये बाबा और पाखंडी और पाखंड के नाम पे पैसे तानने वाले के। मेरे भाई एवं बहनों, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही वो तत्वदर्शी संत है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। आज इन बाबाओं के कारण, इन पंडितों के कारण हमारे समाज में नशा पदार्थ बढ़ गए हैं। बेटी का जे शादी विवाह का तामझाम है वो बढ़ गए हैं, जिस कारण से समाज में बेटी भी आज के समय में बोझ बन गई है। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने मात्र से ही हमारे सारे किस्म की बुराइयों छुट जाती हैं, हमारे नशा छुड़वा देते हैं, और हजारों हजार लाखों लाख भाई बहन के हमारे फ्री शादी हो रहे हैं। क्या
क्या आपको पता है, इस संसार में 500 से अधिक नामदान केंद्र है जिसमें मुफ्त में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी द्वारा मुफ्त नामदान सेवा दी जाती है। कृपया आप YouTube में देख रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज करके सर्च करके जरूर उनकी सत्संग देखिए और अपने शास्त्र से मेल कराइए। यदि सत्य है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य करें और सुखमय बनाएं। आज की वीडियो में हम इतना ही कहते हुए आप सभी से विदा चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अंत में हम यही कहेंगे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब।